education with moral values, the only institution with our latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air-conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur. जालौन के कालपी में रोजाना लगने वाला एक लंबा जाम आने जाने वालों के साथ नगर वासियों के लिए भी विकराल समस्या बन गया है। सिर्फ 1.5 किलोमीटर की सड़क पार करने में वाहनों को घंटों का समय लग जाता है। बीते 7 सितंबर को कालपी हाईवे निर्माण में बादल धार्मिक स्थलों को तोड़कर दूसरे स्थान पर स्थापित किया गया था। तब नगर वासियों के चेहरे पर खुशी की झलक थी कि अब शायद जाम की समस्या से निजात मिल जाएगी, लेकिन हाईवे पर काम करने वाले जिम्मेदार विभाग की उदासीनता के चलते अभी तक कार्य में तेजी नहीं लाई गई। कच्छप गति से होने वाला निर्माण कार्य न सिर्फ यहाँ की जनता के लिए बल्कि इस मार्ग से गुजरने वालों के लिए सिर का दर्द बन चुका है। दूर दराज से आने वाले लोग ट्रकें, बस व एम्बुलेंस तक रोजाना जाम में घंटों के हिसाब से फंस जाती हैं। लोगों का मानना है कि जाम के लिए खराब सड़क, प्रशासनिक लापरवाही व छोटे वाहनों की मनमानी जिम्मेदार है। यहाँ खराब सड़कों से उड़ने वाली धूल भी सड़क के किनारे रहने वाले व गुजरने वाले लोगों के स्वास्थ्य को भी खराब कर रही है। कालपी नगर में जाम से संबंधित किस तरीके की समस्या है? सर, जो जैसे वो यात्री, वो बाजार जाने वाले यात्री हैं, इस तरफ से गए, वो बीच में एक तरफ की लाइन चलती है, एक तरफ नहीं चलती, जैसे एक तरफ खड़े हो गए तो उधर दूसरी तरफ जाम लग गया। इस वजह से इस तरफ आए तो इस तरफ वाली चालू हो गई, तो इस तरफ जाम लग गया। और जब तक सुबह से लेकर शाम तक जाम लगता है या रात में लगता है? सुबह से लेकर शाम तक। रात में नहीं लगता? रात में भी लगता है, लेकिन रात की स्थिति कुछ कम हो जाती क्योंकि आदमी के निकलना बैठना कुछ कम हो जाता। कालपी नगर में जाम को लेके समस्याएं बहुत गंभीर हैं। रोड की समस्याएं हैं और नियमित रूप से लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, धूल उड़ती है, गड्ढे से खतरा रहता है लोगों को निकलने में, चलने में, आम जनमानस को बहुत दिक्कत आती है। बाइकें जाम लगने का सबसे बड़ा कारण है गाड़ियां टेढ़ी मेढ़ी निकलना और प्रशासन की व्यवस्था ना होना। कालपी में जाम लगता है, सिर्फ इसी कारण से कालपी में जाम लगता है। कालपी से शिवांग शुक्ला की रिपोर्ट।